ये प्रश्न है नागेंद्र कुमार आजमगढ़ से। क्या मरने के बाद मनुष्य दोबारा मनुष्य योनि में ही जन्म पाता है या पशु योनि में भी जा सकता है? अगर मनुष्य मरने के बाद मनुष्य में ही जन्म पाता है तो पशु मरने के बाद पशु में ही जन्म पाता है या मनुष्य योनि में पा सकता है? कृपया प्रकाश डालें। आपका प्रश्न तो बिल्कुल स्पष्ट, प्रश्न इस संसार का नहीं है, ये प्रश्न दूसरे संसार से, दूसरे लोक से संबंधित है। मरने के बाद क्या होगा, यद्यपि मेरी रुचि इसमें ज़्यादा है, मरने के बाद जानवर की योनि में जाएंगे या मनुष्य की योनि में जाएंगे, इस लोक में जाएंगे या उस लोक में जाएंगे, यद्यपि मेरी रुचि इस जीवन के बाद के जीवन के बारे में ज़्यादा नहीं है, मेरी रुचि ज़्यादा इस बात में है कि इस जीवन में आप मनुष्य होकर मनुष्य योनि में जन्म लेकर मनुष्य के रूप में जी रहे हैं कि जानवर के रूप में जी रहे हैं, स्वर्ग लोक में जी रहे हैं या नरक लोक में जी रहे हैं। आपके इस लोक की मुझे चिंता ज़्यादा है, आपके इस लोक को ही मैं स्वर्ग लोक बनाना चाहता हूँ, आपके इस लोक को ही मैं जानवर के जीवन से मनुष्य के जीवन में लाना चाहता हूँ और मनुष्य के जीवन को मैं देवत्व के जीवन में लाना चाहता हूँ, भगवत्ता के जीवन में लाना चाहता हूँ। फिर भी चूँकि आपके भीतर जिज्ञासा हुई है, इसलिए अपने अनुभव अपनी समझ के आधार पर कुछ दो तीन महत्वपूर्ण बातें आपसे कहूँगा। पहली बात, इस अस्तित्व में, इस प्रकृति में विकास का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। सब चीज़ें विकसित हो रही हैं, जैसे 10 अवतार हुए, मत्स्यावतार से शुरू हुआ, मछली से, फिर सूकर कुर्मावतार, यानी मछली से जीवन, जल जीवन शुरू होता है और फिर वहाँ से पार करते हुए हम मनुष्य योनि में आए। तो मनुष्य उत्कृष्टतम विकास है इस सृष्टि का, अब तक जितने जीव हैं हम निरंतर विकसित हो रहे हैं। तो आप मछली की योनि से शुरू हुए और धीरे 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 हुए मनुष्य की योनि तक पहुंच गए। हर प्रक्रिया, हर चीज़ निरंतर विकास की दिशा में गतिशील है। जानवर से मनुष्य की योनि मिलती है, तमाम योनियों को पार करने के बाद, जाने लाखों करोड़ों अरबों वर्ष पार करने के बाद आप परम विकास की अवस्था मनुष्य योनि को उपलब्ध हुए। अब आगे आपके जो जन्म होंगे वो इससे भी आगे विकास की ओर जाएंगे, और अच्छे मनुष्य के रूप में आप पैदा होंगे, फिर उससे और अच्छे मनुष्य के रूप में पैदा होंगे, फिर इस मनुष्य का जो भी अगला विकास होगा उसको आप, पीछे जाने का कोई उपाय नहीं, अब मनुष्य से आप जानवर में नहीं जाएंगे, इतने की तो गारंटी समझिए आप मेरी समझ के हिसाब से। अब जानवर में नहीं जाएंगे। हाँ, अपनी चेतना को, सारा खेल आपकी चेतना का है। इस चेतना को जितना विकसित कर लेते हैं आप, अगर इस चेतना को इस जीवन में विकसित कर लेते हैं, ये विकासशील चेतना है, जिसकी चेतना जितना विकसित होती जाएगी, जो चेतना का, चेतना के द्वारा चेतना के प्रति ध्यान पूर्ण, होश पूर्ण हो जाएगा, जिसकी विधि मैंने बताई, साक्षी साधना का विज्ञान, स्वयं के प्रति होश पूर्ण होने का विज्ञान, तो परम होश आपको उपलब्ध हो सकता है। अगले जीवन की बात ही छोड़ो, मैं तो इसी जीवन में आपको परम होश यानी बुद्धत्व की अवस्था उपलब्ध करा सकता हूँ। बुद्धत्व की अवस्था का मतलब है भगवत्ता की अवस्था, यानी सृष्टि की सर्वोत्कृष्ट अवस्था, वो अवस्था जो बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, मोहम्मद को उपलब्ध हुई थी, उसको आप इसी जीवन में पा सकते हो। मैं तो वही विज्ञान आपको दे रहा हूँ कि मरने के पहले, अर्थी उठने के पहले, चेतना की उस अवस्था को आप उपलब्ध हो जाए। अगर आपका संकल्प प्रगाढ़ हो गया तो आप इस जीवन को छोड़ने के पहले ही चेतना की उस उच्चतम अवस्था को उपलब्ध हो जाएंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस चक्र से ही आप मुक्त हो जाएंगे। जहां पर आपकी दृष्टि होगी वही आपको उपलब्ध होगा, जहां आपका ध्यान निरंतर केंद्रित होगा वही आपको उपलब्ध होगा, वही आप पहुंचेंगे। मैं तो यही कहना चाहूंगा, ज्यादा इधर उधर ना भटकें, अपनी चेतना को, चेतना के
सृष्टि के उच्चतम शिखर पर इसी जीवन में पहुंच जाने का, उपलब्ध कराने का संकल्प अपने प्राणों में पैदा कर लें और वो आपको उपलब्ध होकर ही रहे, ऐसा मेरा आप सबके लिए आशीष है। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद।